देश में सीए कानून लागू हो चुका है और पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए किस तरीके की चुनौतीपूर्ण स्थिति न बने इसको लेकर के पूरी तरीके से सजग नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं, उसी जगह हैं जहां पर 2019 में काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस गश्त कर रही है, पूरी तरह से जो स्थितियां हैं कंट्रोल में बनी रहें, किसी भी तरीके से कोई भी अराजक तत्व स्थितियों के लिए चुनौती न पेश करे, इसके लिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अपने फोर्स के साथ बाकायदा इन इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गेश कुमार जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। डीसीपी वेस्ट है लखनऊ पुलिस में, दुर्गेश जी किस तरह से आप लोग स्थितियों को सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कल चांद के दर्शन हुए हैं, आज से पवित्र रमजान का माह प्रारंभ हो रहा है, हुआ है, साथ में होली का भी त्यौहार है। इन सभी त्यौहारों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में यहाँ की जनता मना सके अपने उत्सव, अपने लखनऊ पुलिस के पुलिस कमिश्नर सर की के नेतृत्व में हम सभी कटिबद्ध हैं इनको सुरक्षित माहौल देने के लिए। उसी क्रम में हम फुट पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, अन्य सारे जो हमारे कानून में प्रदत्त हमारे अधिकार हैं इन सब का प्रयोग करते हुए एक सुरक्षित माहौल हम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों से जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे लगातार संवाद भी स्थापित हो रहा है और सभी का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा माहौल है और इसको और बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस संवाद करने की भी कोशिश कर रही है, भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश कर रही है जो सीए को लेकर के पिछले कई सालों में कुछ लोगों के बीच में रही है। देखिए, सभी हमने बताया, सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं दोनों धर्मों के लोगों से लगातार हम उनके साथ संपर्क में हैं, संवाद में हैं और कोई फिलहाल अभी कोई भ्रम की स्थिति ऐसी दिख नहीं रही। त्यौहारों को लेकर के भी आप लोग सतर्क हैं पूरी तरीके से, कैसे बंदोबस्त किए गए हैं उनको लेकर? बिल्कुल, ये जो हम फुट पेट्रोल कर रहे हैं ये एक जब समाज में अच्छा माहौल रहेगा तो जो भी उस समय खंड में कालखंड में जो भी त्यौहार, जो भी ऑकेजन, जो भी इवेंट्स होंगे वो निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है ऐसी अफवाहों को फैलाने के लिए या माहौल बिगाड़ने में, आजकल बड़ा देखा जाता है, उससे किस तरह से निपटें? देखिए, हम लोगों की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार सतत 24/7 वो मॉनिटरिंग पे रहती है, काम कर रही होती है, अभी भी वैसे ही उतनी ही मुस्तैदी और सतर्कता से काम कर रहे हैं हम लोग। और सभी से हमने अपील भी किया है कि कोई भ्रामक खबर कोई सोशल मीडिया पर न फैलाए, फिर भी अगर कोई इस तरीके की शरारत करने की कोशिश करता है तो जो भी कानून में हमारे प्रदत्त अधिकार हैं उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगे। कानून में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका पालन करते हुए किसी भी अराजक तत्व को कोई भी ऐसी घटना करने की इजाज़त नहीं दे रही है, देगी पुलिस, जिससे माहौल बिगड़ सके। और ये बंदोबस्त है राजधानी लखनऊ में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, माहौल में माहौल जो शांतिपूर्ण है उसमें आत्मविश्वास पैदा करने की और कोशिश है। सीए को लेकर तमाम भ्रांतियां, तमाम भ्रम देखे जाते हैं, उन भ्रम को दूर करने के लिए पुलिस खुद संवाद कर रही है, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सीए कानून नागरिकता देने का है, किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए यह कानून नहीं लाया गया है। लखनऊ से कैमरामैन रजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।